Good morning everyone, welcome to English lecture. Now today we are going to start our unit 4 of English, page number 35, Exploring Poetry. Read aloud and enjoy the poem Life. यहाँ पे एक life के ऊपर एक poem दी गई है. It is written by M.S. Esther Samuel. M.S. Esther Samuel ने ये poem लिखी गई है. ये जो poet है उसने लाइफ को अलग अलग चीजों के साथ कंपेयर किया गया है. वॉट इज लाइफ, लाइफ क्या है? लाइफ इज अ ट्री. पहले उन्होंने ट्री के साथ कंपेयर किया कि लाइफ एक ट्री है. दैट ग्रोज वेल विथ लव एंड केयर. वो अच्छी तरह से चलती है, बढ़ती है लव और केयर के साथ. जैसे हम ट्री को पानी देते हैं, मैन्योर्स देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, लव और केयर से उगाते, वैसे ही अच्छी तरह से लाइफ भी उगती है. अगर हम ट्री का ध्यान रखें, अच्छी अच्छी चीज़ें दे, मैन्योर अच्छी तरह से दे, फर्टिलाइजर्स दे, पानी दे, तो ट्री में अच्छे अच्छे फ्रूट्स आएंगे, अच्छे अच्छे फ्लावर्स आएंगे. वैसे ही लाइफ है. अगर लाइफ को अच्छी तरह से हम देखभाल करें, लाइफ की अपने हेल्थ के बारे में देखभाल करें, एकदम लव और केयर से ध्यान रखें, वैसे ही लाइफ हमारी अच्छी तरह से बढ़ेगी. नाउ सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने काइट के साथ कंपेयर किया है लाइफ को. लाइफ इज अ काइट. एक काइट है लाइफ. रेडी टू फ्लाई इन द एयर. हमेशा रेडी होता है एयर में फ्लाई करने के लिए. काइट कैसे, आप काइट को जगाते हो, स्टार्टिंग में वो नहीं जगता, पर जैसे 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 ऊपर लेके जाते हो, आप उसको जगाते हो, तो वो रुकने का नाम देता है नहीं, पूरा फ्लाई करता है, एकदम रेडी होता है एयर में फ्लाई करने के लिए. वैसे ही लाइफ हमेशा रेडी होती है, चाहे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, चाहे कोई प्रॉब्लम्स आए, डिफ़िकल्टी आए, कुछ भी, लाइफ तो हमेशा रेडी होती है चलने के लिए. नाउ लाइफ इज़ कंपेयर टू अ म्यूज़िक. म्यूज़िक के साथ कंपेयर किया लाइफ को. लाइफ इज़ म्यूज़िक इफ़ यू नो द नोट्स टू प्ले. म्यूज़िक कैसा होता है कि अगर आपको उसके नोट्स अच्छी तरह से बजाने आते, प्ले करने आते, कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करो तो उसके अच्छी तरह से इंस्ट्रूमेंट को बजाना आता है, या उसके जो म्यूज़िक होते हैं, म्यूज़िक के नोट्स होते हैं, तो वो म्यूज़िक के अच्छी तरह से नोट्स आपको बजाने आए तो अच्छी तरह से म्यूज़िक बजता है, वरना तो एकदम बेकार बजता है. तो इसी तरह लाइफ अगर आपको अच्छी तरह से रन करनी आए, उसके अच्छी तरह से सब पता है, तो लाइफ अच्छी तरह से चल सकती है, वरना लाइफ भी एक मेस बन जाती है, एक हेल बन जाती है. नाउ लाइफ इज़ कंपेयर टू अ रोड. रोड के साथ कंपेयर किया है लाइफ को पोएट ने. लाइफ इज़ अ रोड विथ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑन इट्स वे. लाइफ एक रोड की तरह है जिसमें ट्विस्ट और टर्न्स आते ही रहती है अपने रास्ते में. आपको पता है रोड में कैसे, कभी रोड हम कहीं पे भी जाते हैं तो रोड कभी सीधा ही रास्ता होता है रोड में, कहीं भी प्लेस पे पहुंचने के लिए नहीं, टर्न लेना पड़ता है, ट्विस्ट लेना पड़ता है अपने रास्ते में. वो जो डेस्टिनेशन होता है वो पहुंचने के लिए ट्विस्ट और टर्न्स होते ही है. वैसे ही लाइफ में कभी सुख हमेशा नहीं होता है, कभी हैप्पीनेस हमेशा नहीं होती है, और कभी दुख हमेशा नहीं होता है, कभी सॉरोज हमेशा नहीं होता है. दोनों का कॉम्बिनेशन होता है लाइफ में, हैप्पीनेस और सॉरो दोनों होता है लाइफ में. तो इसलिए लाइफ में एक रोड की तरह है जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स, हैप्पीनेस और सॉरो दोनों अपने वे में होते हैं. व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज व्हाट यू मेक इट योर वे. लाइफ क्या है, एंड में फिर पोएट ने बोला है लाइफ क्या है. लाइफ एक चीज़ ऐसी है जो आप अपनी तरह से अपने खुद के वे में उसको ढालो, अपने खुद तरीके में. अगर अच्छी, चलो आप दुखी हो, कोई प्रॉब्लम है आपको कि आप दुखी हो, तो आप सिर पकड़ के ऐसे ही बैठ जाओगे एक जगह पे और कुछ करोगे नहीं, तो लाइफ आपकी स्टॉप हो जाएगी, एकदम ख़राब हो जाएगी. तो वैसे ही अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो उसका डट के सामना करो अच्छी तरह से, तो वो डिफ़िकल्टीज़ को पास कर सकोगे आप. तो इसी तरह लाइफ आपके हाथ में है कि अगर उसको अच्छी तरह से आप जीना चाहते हो, अच्छी तरह से जीने के लिए आपको आता है, तो आपकी लाइफ बहुत ही खुश बन सकती है. ओके चिल्ड्रन, नाउ द रिमेनिंग चैप्टर.
विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट सेशन. टिल देन बी सेफ. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.